वेलकम टू विजन है बी ए नाव गाइज कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जे बी आई एम एस में उन्हें एडमिशन लेना है कि आई आई एम्स में क्या वो जे बी आई एम एस टारगेट करे या आई आई एम्स और इनमें से बेटर कौन सा है वेल well गाइज दोनों कॉलेज के अपने पॉजिटिव हैं नाउ जे बी आई एम एस एंड आई एम्स बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू द कंपेरिजन एंड सजेस्ट वॉट यू गो फॉर आई वॉन्ट टू टेल यू बोथ द कॉलेज आर ग्रेट जे बी आई एम एस इज ऑल्सो ग्रेट कॉलेज एंड ऑफकोर्स आई आई की बात तो सब लोग जानते ही हैं इट्स अ ब्रांड नाउ जेबी आई एम एस में जाना डिफिकल्ट है बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस ओनली वन हंड्रेड एंड कैटेगरी तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ऑफकोर्स इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट आई एम्स में भी रिजर्वेशन हैं नो डाउट अबाउट इट बट देन देस द नंबर ऑफ सीट्स इन आई एम्स आर मोर बिकॉज देर आर सो मेनी आई एम्स न्यू ओल्ड बेबी आई एम्स सो यू गॉट अराउंड टेन थाउजेंड सीट्स

फॉर एम एम एस प्रोग्राम ऑफ जे बी आई एम एस नो गाइज जे बी आई एम एस की फीस कम है एज कम्पेयर टू आई आई एम बट देन द काइंड ऑफ पैकेज यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आई आई एम्स इज ऑफकोर्स वे मोर देन जे बी आई एम एस मतलब जे बी आई एम एस के की जो एवरेज सैलरी है आई एम्स की एवरेज सैलरी उससे बहुत ज्यादा है ऑफकोर्स कुछ स्टूडेंट जे बी आई एम एस के आई एम्स के आई एम्स के स्टूडेंट से ज्यादा अर्न करेंगे दैट इज देयर

कैट एग्जामिनेशन इज ओनली फोकसिंग ऑन क्वालिटी पाँच या छः क्वेश्चन करो हर एक सेक्शन में लेकिन राइट करो यू विल बी गेटिंग अ डिसेंट पर्सन टाइल सो गाइज बोथ द एग्जामिनेशन गॉट देयर ओन चैलेंजेस नो वन इज ईजी नो वन इज डिफिकल्ट सो ऐसा सोच के कि सी टी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेट मी गो फॉर दैट इट इज़ अ रोंग अप्रोच एंड दिस इज अ वेरी रोंग परसेप्शन एंड अप्रोच टूवर्ड्स एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट आई आई एम्स का जो कैम्पस है आई एम्स की जो फैकल्टीज हैं जो एक्सपोजर है वो डेफिनेटली जे बी आई एम एस से बहुत बेटर है बट लेट्स इफ यू आर इन महाराष्ट्र इफ यू आर इन मुंबई एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू गो आउटसाइड महाराष्ट्र आउटसाइड मुंबई एंड यू वॉन्ट अ कॉलेज दैट कैन गिव यू द सिमिलर काइंड ऑफ पैकेज आफ्टर वंस यू हैव डन योर एजुकेशन डन एजुकेशन एंड ऑफकोर्स जे बी आई एम एस इज टू बी लुकड आउट फॉर

द फैक्ट गाईज ऑफकोर्स एवरीबडी हैज देर ओन परसैप्शन कई लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर ये कॉलेज हेटर है बेटर है ऐसा सो so, ऐसा नहीं है इफ़ यू आस्क मी वट नीड्स टू बी डन यू मस्ट प्रिपेयर फॉर सी टी एंड कैट एग्जामिनेशन एंड डू नॉट वरी अबाउट कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बुरा है हिडन जेम्स ये फालतू की बातों से स्कोर नहीं आने वाला ट्राई टू गेट द स्कोर इन द ए एंट्रेंस एग्जाम्स इफ यूर स्कोर आर गुड इन एंट्रेंस एग्जाम्स यू कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज फिर उसके बाद एक और सवाल आता है कि सर मेरे टेंथ ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे नहीं है ऑफकोर्स यू कैन ओ चेंज द पास्ट नो बडी कैन चेंज द पास्ट बट यू वॉट यू कैन डू यू कैन मेक श्योर दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम इन देंस एग्जामिनेशन सो दैट यू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी और चांसेस टू गेट इन टू ई दे बी आई एम एस और वन ऑफ दी आई एम दैट्स इट गाइज आई होप दिस स्मॉल Video of making you sensible and logical will help you, of course, a lot to focus on getting the score, not on colleges. That's it. Thank you. Stay blessed and yes, stay sensible.